अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, ये है संडे की मॉर्निंग और 10 बजे के करीब जो है ना असद अबीहा और नबीहा लेने गए थे हलवा पूरी, और इनको हलवा पूरी नहीं मिली तो ये ले आए चने और लच्छे पराठे, और फिर भी जो है ना वो गुजारा चल गया। हालांकि मूड तो जो है ना वो हलवा पूरी का था, क्योंकि हलवा पूरी के साथ जब हलवा वो आता है ना तो उसका मज़ा ही, चने तो चलो पूरी के साथ आ जाते लेकिन जो हलवा है ना वो नहीं चने और पराठों के साथ आता। तो वैसे तो मैं हलवा पूरी के देर से ना आधे घंटे बाद चाय बनाती हूँ, लेकिन जैसे मैंने देखा बच्चों ने कहा ना मम्मा चने और पराठे लाएँ, तो मैं जल्दी से चाय रखने भाग गई। फिर जो है ना मुझे पराठे के साथ जो है ना चाय का एक सीप, और फिर मैं साथ में ना जो है वो मैंने एक ऑमलेट बनाने को रख दिया ताकि फुल संडे के नाश्ते का मज़ा आए। अच्छा, अक्सर होता क्या है कि हम टॉपिक की तरफ आते हैं कि अक्सर होता ये है कि हम जो है ना वो अपनी छोटी छोटी खुशियां जो वाकई हमें बहुत खुशियां देती हैं और हमारे जहनी और दिली सुकून का बायस बनती है, हम उन्हें छोड़ देते हैं। हमें जो है ना वो अगले जो अगला कोई होता है, हमारी कोई फ्रेंड हो सकती है, हमारा कोई रिलेटिव हो सकता है, उसके पास जो हम देखते हैं ना तो अपनी छोटी छोटी खुशियों को इंजॉय करना छोड़ देते हैं। आपको नहीं पता होता कि आपकी जो जिसके देख के आप मतलब दूसरों की शान और शौकत देख के आप अपनी खुशियों को इग्नोर कर रहे हैं, आपको क्या पता कि उसकी ज़िंदगी में क्या वो चीज़ नहीं है जो आपके पास है। आपके पास अच्छे प्यारे ज़हीन बच्चे हो सकते हैं, एक मोहब्बत करने वाला शौहर हो सकता है जो कि जिसके आपने सूट देखा है या जिसकी आपने ज्वेलरी देख ली या जिसके पास गाड़ी घर देख लिया, उस बेचारी के पास जो है ना वो शौहर की मोहब्बत ना हो, और वो उसको मतलब क्या फ़ायदा होता है ऐसे कपड़े पहनने का, ज्वेलरी का, जूतों का, मेकअप का, महंगे महंगी चीज़ों का, कि जब आपके पास शौहर की मोहब्बत ही ना हो। अच्छा, कुछ औरतें बहुत बेवकूफ़ होती हैं, वो अपने शौहर की सारी उम्र इसीलिए वो उनकी उसकी मोहब्बत की इतनी कदर नहीं करती हैं, शौहर की जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि वो उनके मुताबिक जो है ना वो नहीं उनको दे रहा होता, कमा नहीं रहा होता है, हालांकि वो बेचारा अपनी पूरी जान मार रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है। अच्छा, ऐसी औरतों को मैं जो की जो आदत होती है ना, वो अगर शौहर करोड़ों भी कमा रहा हो ना तो वो कहते हैं ना कुएं जो है ना वो फजूल खर्ची से तो कुएं भी खाली हो जाते हैं, तो वो वाली बात होती है। तो करना क्या चाहिए कि आपके पास जो है ना उस वक्त को लाजमी इंजॉय करें, और जो आपकी ख्वाहिशात होती है ना यकीन जाने वो एक पूरी होती ना तो दूसरी निकल आती है। आप जो है वो ब्रांडेड ड्रेसेस भी पहन लें, आप जो है ना ब्रांडेड जूते भी पहन लें, लेकिन क्या होगा कि वो भी आपने एक दिन पहने ना तो आपको दूसरे दिन जो है ना वो दूसरी कोई चीज़ चाहिए होगी। तो अपने पाँव देख के फैलाने चाहिए, चादर देख के अपने पाँव फैलाने चाहिए, और हमें कभी भी जो है ना वो इस चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए कि हमें दूसरों की चीज़ें देख के जो है ना वो अपना सुकून चैन जो है ना वो बर्बाद कर लें। फिर क्या होता है, हमें हमारा मिजाज इतना बुरा हो जाता है कि हम अपने शौहर से जो है वो अपने हस्बैंड से अच्छे से नहीं पेश आ रहे होते, अपने बच्चों पर गुस्सा निकाल रहे होते दूसरों की चीज़ें देख के। तो ये जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना वो आप ही की नुकसान होता है, आप ही का नुकसान इस लिहाज से होता है कि आपका जो हस्बैंड होता है वो मतलब आपको वो फिर अहमियत देना वो बंद कर देता है, वो अपना टाइम बाहर स्पेंड करना शुरू कर देता है, आपके जो उसके जो माँ बाप या जो भी मतलब उसके जो जहाँ से उसे ज़्यादा प्यार मिलता है, ज़ाहिर है माँ बाप से तो प्यार मिलता ही मिलता है, तो फिर वो उधर ज़्यादा उनको वैल्यू देनी शुरू कर देता है। फिर आप अलग से तपरी होती हैं कि ये तो ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, बहन सारी जो गलतियां होती हैं ना वो आप ही की खुद ही की होती हैं। अपने हर लम्हे को जो है ना वो आप इंजॉय करें। आप अगर बाहर खाना नहीं खाने जा सकते, आपके हो सकता है कि आपके बजट उसमें ना हो, तो आप घर पर आजकल क्या नहीं बनता है, आप उस घर के खाने को जो है ना, मैं तो ऐसे ही अक्सर करती हूँ, मैं घर के खाने को भी जो है ना वो इस तरह से वो करती हूँ कि वो जब खाने बैठे ना तो बच्चों को लग रहा होता है कि बाहर से शवारमा आया है, बाहर से सैंडविच आया है, बाहर से बर्गर आया है, और इसी तरह से शौहर मेरे को जैसे देसी खाने पसंद है तो उनको लगता है कि बाहर से कड़ाही आई है। तो आप फिर उस इन चीज़ों को जब इंजॉय करते हैं ना तो आपकी लाइफ जो है ना वो इतनी आसान हो जाती है, और जब आप चीज़ों पर राज़ी नहीं होते ना, शुक्रगुजारी आप में होती नहीं है, आप समझते हैं कि वो नहीं है मेरे पास इसलिए जो है ना वो आपका मूड ख़राब है और आपने घर का माहौल अलग से ख़राब किया हुआ है। तो इन चीज़ों से जो है ना वो जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए।
और जिनको आप देख के इंस्पायर हो रही होती ना, उनके क्या होता है कि या तो उनके मियाँ उनको टाइम नहीं दे रहे होते क्योंकि वो कमा रहे होते हैं, या जिनके मतलब कमा ज़्यादा रहे होते हैं फिर उनका मतलब वो उनका लाइफस्टाइल बाहर का ही हो जाता है, वो बाहर की औरतों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं उनके मतलब मैंने अक्सर देखा है, मेरे खुद का वो है कि दो तीन मैंने एक्सपीरियंस देखे हैं कि जैसे ही आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आया ना, उसने या तो दूसरी शादी कर ली या फिर बाहर अफेयर कर लिया। ये रियलिटी है, शायद कोई मेरी बात से एग्री करे या ना करे, ये लेकिन ये मेरे सामने होते हुए मैंने कई बार देखा है। तो कई जो दूसरों को फिर क्या है, जो ज़्यादा वो कमा रहे होते सुबह से शाम तक, वो घर ही घर को टाइम ही नहीं देते। क्या फ़ायदा ऐसे मतलब कमाने का कि आप खुद ही खा रही हैं, खुद ही आप तैयार श्यार होकर जो है ना वो बैठ के आप बाहर किसी सहेली को दिखा रही हैं। मतलब मेन चीज़ तो आपकी प्रॉपर्टी तो आपका मियाँ है ना, प्रॉपर्टी नहीं मतलब मतलब आपका जो मतलब ज़िंदगी का जो एक चैन सुख है ना, वो आपका मियाँ है, आपके बच्चे हैं। इसी तरह से आप क्या करती हैं कि आप अपने बच्चों को भी इग्नोर कर रही होती हैं इसी चक्कर में। मतलब आप दूसरों को जो है वो देख देख के सड़ सड़ के कुड़ कुड़ के अपनी तबीयत ख़राब करके बैठी होती हैं ना, ना आपका फोकस अपने घर पे रहता है, ना बच्चों पे और ना अपनी हेल्थ पे। तो इत्मीनान और सुकून वाली ज़िंदगी अगर आपको चाहिए ना, तो अपनी छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना सीखें। यही आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए और आपके सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात के लिए बेहतर है। तो ये मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैं देख रही हूँ काफ़ी अरसे से कि ये सब चल रहा है माशरे में ना, मेरे इर्द गिर्द चल रहा है। मैं अपने आप को पॉजिटिव ही इसलिए रखती हूँ, मैं किसी से मुतासर ही नहीं होती हूँ। मुझे कभी, मैं कई बार अपने ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ ना, मुझे चीज़ों का किसी की तरफ देख के कभी शौक हुआ है, ना मुझे कभी जो है वो किसी घर गाड़ी कुछ भी ऐसा देख के मुझे कभी शौक नहीं हुआ है। क्योंकि मुझे पता है कि ये इंसानी दिमाग की सेहत को भी ख़राब कर देती हैं और इंसान के जो घर का माहौल है उसको भी ख़राब कर देती हैं। तो शादी करते वक्त भी अपनी बेटी को ये सब चीज़ें सिखा के भेजेंगे तो उसकी ज़िंदगी भी सुकून में रहेगी और आपकी भी।